हेलो एवरीवन आई एम आस्था वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जेन्यून नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ए सी आई ओ इन आई वी आई वी में अगर आप ए सी आई ओ बनना चाहते हैं तो आप कैसे बन सकते हैं हाउ टू बिकम एन ए सी आई ओ इन आई बी क्या प्रोसेस रहती है इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज लिमिट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आई वी क्या है आई का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो आपने नाम सुना होगा ये एक खुफिया एजेंसी है जिसको हम शॉर्ट में आई एंड फुल इंटेलिजेंस ब्यूरो अब ए क्या है ए का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ये एक पोस्ट होती है आई में इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट होती है अब अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में ए बनना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहती है क्या इसल क्वालिफिकेशन रहती है वो हम जान लेते हैं तो ए बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी डिसिप्लिन में अपना बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया है देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बस आपको इसमें कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर की जानकारी वैसे आजकल हर क्षेत्र में हर जो भी पोस्ट है सभी के लिए रिक्वायरमेंट रहती है नीड रहती है ओके okay. वहीं अगर हम बात करें सैलरी की तो ए पोस्ट के लिए जो सैलरी रहती है वो लेवल सेवन से रहती है सो सैलरी अच्छी खासी रहती है आपकी इनिशियल जो सैलरी रहेगी चवालीस हज़ार नौ सौ से एक लाख बयासी हज़ार बयालीस हज़ार चार सौ रहती है लेवल सेवन से सैलरी है काफ़ी अच्छी सैलरी है पोस्ट काफ़ी अच्छी है क्योंकि आप जानते हैं आई वी इंटेलिजेंस ब्यूरो में टेंथ uh, लेवल की भी वैकेंसीज आती हैं हर तरह की वैकेंसी आती हैं लेकिन ये जो पोस्ट है ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है और अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो, तो अप्लाई जरूर कीजिएगा अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज रखी जाती है मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 27 ईयर ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए होती है रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है सो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो इन आईबी अगर आप बनना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए वैसे इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखी गई है लेकिन एज यहाँ पर मिनिमम एटीन सब कम से कम एट्टीन ईयर होनी चाहिए मैक्सिमम ट्वेंटी फॉर जनरल कैंडिडेट वहीं एग्ज़ाम सेंटर की बात करेंगे क्योंकि इसमें आपको जो अप्लाई करना होता है सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है ऑल इंडिया में रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ऑल इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर रहते हैं पोस्टिंग भी आपकी ऑल इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग की जा सकती है ठीक है पर्टिकुलर ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप जैसे स्टेट से आपको वहीं पर पोस्टिंग मिलेगी आपको ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है कहीं भी पोस्टेड किया जा सकता है अब इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर अपडेट रहना चाहिए ठीक है सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो थ्री टेयर में कंप्लीट होता है टी फर्स्ट टीयर सेकेंड टीयर थर्ड अब एक एक करके हम तीनों ही टेयर को समझ लेते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है टीआर फर्स्ट में क्या रहता है टीयर सेकेंड में क्या रहता है और टीयर थर्ड में क्या रहता है वैसे इसके लिए मैंने आपको बता दिया इसका जो नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर आप अपडेट रहिएगा वहीं से इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है चलिए टी आ फर्स्ट का देखेंगे तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो जनरल अवेयरनेस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज टी आ फर्स्ट का आपका ये सब्जेक्ट्स हैं टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना होता है इन्हीं से आपके क्वेश्चन आते हैं अब क्वेश्चन कितने आते हैं कितना ड्यूरेशन रहता है तो इसमें आपका सबसे पहले तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है 100 क्वेश्चंस रहते हैं एमसीक्यूज टाइप्स रहती है 1 आवर की आपको टाइमिंग दी जाती है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है रॉन्ग आंसर पर टियर सेकंड टियर सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है टियर फर्स्ट आपका एमसीक्यूज टाइप था टियर सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा 50 मार्क्स का होगा ऐसे इसमें थर्टी मार्क्स का रहता है और इंग्लिश कंपरेंशन या प्रसिस इसमें ट्वेंटी मार्क्स का रहता है तो टोटल इसमें फिफ्टी मार्क्स का आपका टीयर सेकेंड का रहता है डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर क्लियर टीयर फर्स्ट आपका एम सी क्यूज टाइप्स रहता है जिसके हमने सब्जेक्ट्स देख लिए टीयर सेकेंड आपका डिस्क्रिप्टिव जिसमें ऐसे लिखना होता है और इंग्लिश कम्प्रेंशन रहता है इसके बाद टीयर सेकेंड होता है जो कि आपका इंटरव्यू होता है इंटरव्यू आपका हंड्रेड मार्क्स का रहता है अब ये तीनों स्टेजेस क्लियर करने के बाद ही आप इसमें सेलेक्ट होते हैं फर्स्ट आपको टीयर फर्स्ट क्लियर करना होता है उसके बाद टीयर सेकेंड के लिए एलिजिबल होंगे टीयर सेकेंड क्लियर करने के बाद आपको टीयर थर्ड यानी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और इंटरव्यू भी हंड्रेड मार्क्स का है इसमें भी आपको अच्छी खासी मार्किंग लानी होती है सो so, इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है इंडियन सॉरी इंटेलिजेंस ब्यूरो में ए पोस्ट के लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ए ग्रेजुएशन लेवल की बहुत ही अच्छी पोस्ट है सैलरी काफ़ी अच्छी है नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर आपको अपडेट रहना होगा वहीं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको इसी की वेबसाइट पर रहेगा अभी जो ए है ये ग्रेड वन ग्रेड टू ये दो तरह से पोस्ट इसमें रहती हैं ओके okay? अगर हम करियर ग्रोथ की बात करें तो इसमें आपको तीन से चार साल की नौकरी के बाद आपको ए सी आई ओ ग्रेड टू से ए सी आई ओ ग्रेड वन पर आप पहुंच जाते हैं सो so ये हमने ब्रीफली जाना है कोशिश की आपको कम से कम समय में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की आशा करती हुई वी वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा इंफॉमेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं और वीडियोज़ अपलोड या अदर किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं मैं वीडियो अपलोड करूँगी थैंक्स फॉर वॉचिंग